पोकेमोन गेम्स में हम एज अ पोकेमोन ट्रेनर खेलते हैं, क्यों है ना? लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है काश हम भी एक जिम लीडर बन पाते। आई नो ये सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, सो आज मैं खेलूंगा पोकेमोन दिस जिम ऑफ माइन और वो भी 100 डेज के लिए। इस गेम की स्टोरी लाइन काफी अमेजिंग है। इस गेम में हमारे सिटी का मेयर मुझे एक जॉब देता है, यस जिम लीडर की जॉब, और इसके साथ हमें खुद का जिम भी मिलेगा। यार गेम में मजा तो तब आता है जब मुझे एक बाइकर गैंग किडनैप कर लेती है। आगे मेरे साथ क्या हुआ जानने के लिए फुल वीडियो देखें। सो यहाँ से हमारा गेम शुरू होता है और यहाँ पे ना यार पूरे पोकेमोन के टाइप्स है, लेकिन मैं जाऊंगा यहाँ पे ड्रैगन टाइप के साथ, बिकॉज यार ड्रैगन टाइप किसको नहीं पसंद। यहाँ पे हमारे सामने 3 स्टार्टर पोकेमोन है, बैगोन, गाइबल एंड डिनो। तो मैंने गाइबल को चूज किया है बिकॉज यार आखिर में गारचोंप में इवॉल्व करूंगा। ये है यहाँ का इस शहर का मेयर एंड अभी मुझे इसी के शहर में जाना है और यही हम लोग को जॉब देगा यानी कि जिम लीडर बनाएगा। और इसके साथ मुझे यहाँ पे एक पोशन मिला है। उसके बाद में जैसे ही आगे यहाँ पे एक लड़की मुझे रोक लेती है और बैटल के लिए चैलेंज करती है। तो यार इसके पास है 3 लेवल के स्टारली। मैं यहाँ पे सैंड टॉम यूज किया, किसी काम का नहीं है, टैकल यूज किया एंड काफी काम आ रहा है। और ये लास्ट टैकल और ये गया काम से। इसके बाद दोस्तों मुझे एक एंटीडोट मिलता है, देन मैं यहाँ पे अंबल सिटी में जाता हूँ। यार ये क्या है? अच्छा यहाँ पे शायद से बिल्डिंग खड़ी करनी हमें। ओके यहाँ पे मेयर है। अच्छा जिम के बाहर है, शायद से वही जिम है जो कि हम लोग को मिलेगी। सो इसने बोला है कि कल से हमारा काम शुरू होगा, लेकिन फिलहाल ये मुझे अपना घर बताएगा। तो बताओ यार मेरा घर कौन सा है? ओके यार हमारा घर जस्ट पोकेमोन सेंटर के बगल में है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। यहाँ पे मेल बॉक्स है, मैं अपने घर में जाता हूँ। जैसे ही मैं जाता हूँ यहाँ पे भाई कुछ तो है टेबल पे। क्या है ये, क्या हो सकता है? ओके लेट्स सी, इसमें कुछ तो है भाई। ओके इसमें एक टीएम है, ड्रैगन क्लो भाई काम आएगा यार गाइबल के। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोई बंदा आ चुका है बाइक से, ये शायद से कोई बाइकर है और किसी बाइकर टीम का हिस्सा है। वेल हाँ जो भी हो मुझे यहाँ पे अपने शहर के लोगों की मदद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बंदा मुझसे बैटल करेगा। ओके यार आ जाओ, इसके पास है पूछियाना, लेवल 4 है, ड्रैगन क्लो एंड ये गया काम से। उसके बाद स्क्रैगी ड्रैगन क्लो गया। यार मैंने थोड़ी ट्रेनिंग की थी यहाँ पे बाहर में और ये बंदा फिर ना बाद में डर के भाग जाता है। हम लोग जाते हैं मेयर के घर में। हेलो मेयर सर, कहाँ हैं आप? हम लोग कल से जॉब पे जा सकते हैं। सो यार यहाँ पे मेयर ने मुझे कुछ रूल्स बताए हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं 2 पोकेमॉन्स ऐसे कैच कर सकता हूँ जो कि ड्रैगन टाइप के ना हो, लेकिन हाँ उनको मेरे जिम का सिग्नेचर मूव आना ही चाहिए, यानी कि सेकंड टाइप ड्रैगन होना ही चाहिए। यहाँ पे मेल बॉक्स में कुछ तो है। ओके जिम गर्ल, ओल्ड जिम गाय, जिम गाय। ओके जिम गाय को सिलेक्ट किया, क्या होता है? कॉल देम। ओके कॉल लग गया भाई उसको, यार मैं क्या करूं इससे बात करके। इसके बाद सुबह होती है और यहाँ पे मेयर आ चुका है और 2 ट्रेनर्स भी आ चुके हैं, लेकिन ये लोग मिलके मुझे ऐसे रूल्स बता रहे हैं कि अगर मैंने उनका फॉलो नहीं किया तो यार हमारी जॉब चली जाएगी। तो यार हमें सबसे पहले यहाँ पे रूल फॉलो करना है कि हमारी टीम में 3 पोकेमोन हो। यहाँ पे बंदा फ्री में बेच रहा है भाई सब कुछ, 0 में भाई ले ले भाई, सब कुछ ले लेता हूँ। ओके यार इसके बाद मैं आता हूँ एक केव में, इसका नाम है ड्रैगन डेन। ओके यहाँ पे ड्रैगन टाइप मिल सकते हैं, लेट सी मैन। ओके ड्रैम्पा यहाँ पे, एंड ड्रैम्पा भी ड्रैगन टाइप पोकेमोन है तो मुझे इसको कैच करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को ऐसे भी 3 पोकेमोन चाहिए जिम को स्टार्ट करने के लिए। तो यार पोकेबॉल फेंका लेकिन नहीं आया। ओके एक और है मेरे पास, आ जाओ भाई। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन यार नहीं आया और मेरे पोकेबॉल भी खत्म हो गए। तो मैं अभी आया हूँ पोकेमार्ट में पोकेबॉल बाय करने और यहाँ पे मैंने काफी सारे पोकेबॉल बाय किए। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरा गाइबल ना ड्रैगन ब्रीड सीख रहा है, तो मैंने सिखा दिया। उसके बाद आता है मेरे सामने एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन और ये है एक्सियो। मुझे इसको कैच करना है कैसे भी करके क्योंकि यार जिम स्टार्ट करना है तो कैच तो करना पड़ेगा। आ गया ये, इसके बाद एक और चाहिए और आ चुका है ड्रैगडिगन। यार ड्रैगन डेन तो काफी मस्त जगह है। उसके बाद मैं पोकेबॉल फेंकूंगा यहां पे, इस पे देखते क्या होता है। आ जाओ यार प्लीज। ओके आ गया भाई। इसके बाद दोस्तों मैं फिशिंग करता हूं यहां पे, सुपर रॉड आ जाओ, कम ऑन डूड। कुछ भी नहीं आया यार। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे जिम स्टार्ट करता हूँ। फाइनली यार यहाँ पे एक लड़की आ चुकी है और यहाँ पे यार इसके पास है स्टारली। आई गेस मैं इससे पहले लड़ चुका हूँ। सो यार इसके बाद इसके पास एक और पोकेमोन है लेकिन फ्लिबे पे ड्रैगन मूव किसी काम के नहीं, तो टैकल किया और ये गया काम से। इसके बाद ये लड़की हार जाती है और इसके बाद एक और न्यू चैलेंजर आता है और यहाँ पे मोटे अंकल आ चुके हैं। यहाँ पे भाई इनके पास है शाइनी एरोन, ड्रैगन क्लो एंड ये गया काम से। इसके बाद एक और पोकेमोन है लेकिन यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ
पोकेमोन स्विच कर लूं, एक्सयू कैसा रहेगा? ओके वूबैट है इनके पास, तो यहाँ पे भाई नहीं 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 गाइबल भाई तुम ही आ जाओ यार। उसके बाद यार मैं यहाँ पे गाइबल से इस फाइट को लड़ता हूँ और ड्रैगन ब्रिज से इजिली जीत जाता हूँ। इसके बाद ना दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जिम को बंद करने का समय हो जाता है, तो मैं जिम को यहीं पे क्लोज कर देता हूँ और इसके बाद हम लोग जाते हैं ब्रेक रूम में। ठीक है, यहाँ पे जिम गाई है, ओ माय गॉड यू चैंप इन द मेकिंग, ओके आई रियली नीड टू स्टॉप दैट। ओके भाई कोई बात नहीं, वेल अभी जाते हैं अपने घर के अंदर एंड नेक्स्ट डे को चालू करते हैं। तो यहाँ पे आ चुका हूं मैं और नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है। उसके बाद भाई यहाँ पे हम लोग को बिल्डिंग भी बनानी है क्योंकि यार हमारे सिवा कोई काम करने वाला नहीं शहर में। तो भाई यहाँ पे आ चुके हैं चैलेंजर्स। ओके भाई सुनो, मैं ड्रैगन क्लॉ करूंगा और ये गया काम से, एक और पोकेमोन है लेकिन मैं यहाँ पे ड्रगडिगॉन को यूज करूंगा। ओके भाई यहाँ पे स्क्रैच करना पड़ेगा इस पे तो यार, क्योंकि इस पे ड्रैगन मूव काम ही नहीं करेंगे इस पोकेमोन पे। ओके यार मैं जीत चुका हूँ भाई, किसी को जिम बैज नहीं ले जाने दूंगा यार इतनी आसानी से। ओके यार यहाँ पे एक साइंटिस्ट आ चुका है, शाइनी एरो ऑन, ओ माय गॉड। ओके ऐसा मैंने हराया था एक को, पैरालाइज हो गया भाई, कूल। ओके भाई ड्रैगन क्लो एंड ये क्या था भाई, ड्रैगन रेज क्या किया इसने मेरे साथ भाई साहब। इसके बाद मैं जा रहा हूँ एक और पोकेमोन कैच करने, तो मेरे सामने एक ड्रैम्पा आया है तो इसको कैच कर लिया बिकॉज हम लोग को ड्रैगन टाइप ही चाहिए। तो ओके भाई हो गया यहाँ पे अपना काम। इसके बाद भाई मैं आता हूँ फिर से जिम के अंदर, यहाँ पे भाई ये क्या है फ्लचलिंग, ओके यहाँ पे ड्रैगन क्लो एंड ये गया काम से। नेक्स्ट पोकेमोन है इसका यहाँ पे गॉलेट, ओके ड्रैगन क्लो ये भी गया। इसके बाद दोस्तों काफी मजा आ रहा था मुझे यहाँ पे जिम चैलेंजेस करने में, इसके बाद शायद से एक और आएगा। ओके भाई आ जाओ यहाँ पे, इसके पास कौन सा पोकेमोन होगा, लेट्स सी मैन, फ्लचलिंग इसके पास भी है, अच्छा ठीक है भाई। ओके सैंडटॉम किसी काम का नहीं उस पे, ठीक है। इसके बाद भाई ड्रैगन क्लो ये तो गया काम से भाई, बेचारा दो लेवल का है भाई। सो इसके पास है हॉपिप, ओके ड्रैगन क्लो और ये गया काम से। मैं इसके बाद अपने नेक्स्ट डे को शुरू करता हूँ और ड्रैगन डेन में जाता हूँ। उसके बाद ये क्या, ये मैं कहाँ पहुंच गया डूड भाई। इसके बाद मैं आता हूँ बिल्डिंग प्लान चेक करने, लेकिन यार ये तो 10,000 रुपए से शुरू हो रहा है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए, तो मैं अभी नहीं कर सकता भाई। उसके बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेटल क्लॉ सीख चुका है मेरा ड्रग डिगॉन, तो यार ये तो काफी बढ़िया बात है। सो बैट पे ड्रैगन क्लॉ किया और ये गया काम से, लेकिन मैं थक चुका हूँ बैटल से। क्या यहाँ पे भाई किसी का कॉल आया है, जिम गाई का, और ये बोल रहा है कि मेयर मिलना चाहता है। टाउन हॉल में हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे मेयर यार हमारी तारीफ कर रहा है, यार थैंक यू यार हम लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये कौन आ गई। हाँ हेलो एलिजाबेथ नाम है इसका। अरे यार ये बोल रही है कि इसको पिछले वाले जिम लीडर में ज्यादा यहाँ पे विश्वास था, लेकिन ये हमें जज कर रही है जो कि एक्चुअली में काफी ज्यादा रॉन्ग है। और लिटरली भाई इसने सीधा सीधा मुझे मुंह पे चैलेंज कर दिया है, तो यार देखो अभी मैं क्या करता हूँ। इसके बाद समय से फाइट करने का, इसने हमें बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जज किया है, आ जाओ भाई दिखाता हूँ इसको। इसको भाई इसके पास है क्लिफियरी लेवल 8 का, ये तो गया काम से, एक ही भार में भाई वन शॉट हो गया भाई। इसके पास है फैनपी, ओके ड्रैगन क्लो वन शॉट भाई वन शॉट। एक और पोकेमोन यूज करता हूँ, गाइबल आ जाओ, गाइबल आ गया है और देखते कौन सा है, गूमी, हाँ ड्रैगन क्लो एंड ये गया काम से। अच्छा बुलडोज सीख रहा है भाई, काफी सही। सैंड टॉम हटा दूं क्या, किसी काम का नहीं है वैसे सैंड टॉम, सैंड टॉम ही हटाता हूँ। उसके बाद आ चुका है एक्सयू एंड यहाँ पे सामने ड्रिफलून, ड्रैगन क्लो, अच्छा ठीक है थोड़ा सा है। अरे यार पोशन यूज कर लिया मैंने, यहाँ पे ड्रैगन क्लो यूज किया और ये गया काम से। यस गाइज आखिरकार हमने इस बैटल को जीत लिया है और यहाँ पे भाई स्लैश सीख रहा है, तो कौन सा हटाओ यार। उसके बाद यार ये बोल रही है पता है क्या, ये बस ओवर एक्टिंग कर रही थी और इसकी नजरें अभी भी हमारे ऊपर है और इसको लगता है कि हम लोग इसके शहर को ना बर्बाद कर देंगे। भाई मैं यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी करने जा रहा हूँ और ये भाई क्या बोल रही है, ओके यार ओके कोई बात नहीं, ये काफी लंबा दिन था, अभी समय है रेस्ट करने का। अभी मैं आ चुका अपने रूम पे और मैं शुरू करता हूं अपने नेक्स्ट डे को। नया दिन शुरू हो चुका है और नए दिन में क्या करने वाला हूं, यहां पे आता भाई किसका कॉल, क्या बोल रहा है ये, हम लोग जिम लीडर की रैंक 1 हो चुके हैं भाई, काफी सही। हम लोग अभी थोड़े स्ट्रांगेस्ट ट्रेनर भी मिलने वाले, तो हम लोग अपने पोकेमॉन्स को एटलीस्ट 15 लेवल करना ही पड़ेगा। मैंने अपने घर का मेल बॉक्स चेक किया और यहाँ पे काफी सारे चैलेंजर्स ने अप्लाई किया है जिम बैटल के लिए, सबका एक्सेप्ट है। और यहाँ पे मैं आता हूँ भाई बिल्डिंग प्लान बाय करने, क्योंकि यार मैंने आप सभी को बताया था ना स्टार्टिंग में हम लोग को बिल्डिंग भी बनानी है, तो 10,000 रुपए वाला बाइक किया। आप लोग वीडियो को एंड तक देखो, मैं 25,000 वाला प्लान भी बाइक करूंगा। यार पुलिस आगे जाने दो। उसके बाद मैं मिलता हूं इस बंदे से जो कि 10,000 के सामान बेच रहा है, एक रियर कैंडी 10,000 में भाई नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये बाइक कर सकता हूं। उसके बाद मैं आता हूं जिम बैटल करने एंड सही में यार आप लोग देख सकते हो ट्रेनर्स के पोकेमोन के लेवल काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं। ओ माय गॉड,
मैं भी हार सकता हूँ। नहीं गाइज, 3 HP है। ओके गाइबल तुम आ जाओ भाई। नहीं नहीं, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है। नहीं 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 नहीं, ड्रैगन क्लॉ गया भाई। यस, आखिरकार जीत गए हम लोग भाई साहब। कितना स्ट्रॉन्ग था वो। ओके यहाँ पे एक बूढ़े अंकल आ गए। वो 24 level का है भाई। ओ माई गॉड, लेकिन हम लोग जीत गए भाई। काफी सही, घूमी है ये भी गया। और इसके बाद एक और पोकेमोन है, और ये कौन सा है? ओके यहाँ पे ड्रैगन मूव काम नहीं करने वाले, मेटल क्लॉ किया। काफी सही, सुपर इफेक्टिव है। एक और बार मैं परेशान हो चुका हूँ मेटल क्लॉ यूज कर करके। यार आखिरकार मर गया वो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और पोकेमोन आता है जो कि है क्रिया, लेकिन इसके पास कुछ ज्यादा ही सुपर पोशन है। यार क्या करूं मैं। इसके बाद दोस्तों मैं मिलता हूँ मेयर से, और ये बोल रहे कि जैसा काम हम लोग कर रहे हैं वैसे ही इसको और भी बेहतर करते रहे, और इसी तरह से अंबल सिटी का नाम रोशन करते रहे, और हमारी रैंक भी बढ़ गई है, यानी कि रैंक 2 हो चुकी है। ओके यार, लेकिन दोस्तों हर कहानी की तरह इस कहानी में भी बदमाशों की गैंग तो हो नहीं थी, तो यार अब हम लोग कर भी कह सकते हैं, हमें इनसे फाइट करनी पड़ेगी। आ जाओ हेराक्रॉस भाई, ड्रैगन क्लो एंड ये गया काम से। उसके बाद स्केडी फेस नहीं सिखाना यार। उसके बाद जोरुआ ड्रैगन क्लो करूंगा और वन शॉट करना है भाई। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे कोई लालची आदमी खड़ा था, और लालची क्यों है तो आप लोग खुद ही देख लो भाई। लिटरली ये मुझसे बिग नगेट को खरीद रहा है 20,000 रुपए में। ओके ले लो, ऐसे महंगाई है। उसके बाद दोस्तों मैं आता हूँ जिम में, लेकिन यहाँ पे बाहर में कोई लड़की खड़ी है, और ये बोल रही है कि हमारी मदद करेगी हमारे पोकेमॉन्स का लेवल अप करने में। ठीक है आ जाओ, मैंने हाँ बोल दिया है। देखते यार कैसे मदद करेगी यहाँ पे। फिलहाल तो इसके पास है ब्लिसी पोकेमॉन, और इसका लेवल है 50, तो यार काफी ज्यादा EXP मिलने वाली है। इसके बाद गाइबल नया मूव सीख रहा है जो कि है बाइट। तो यार हटाओ यार, टैकल को हटाओ यहाँ से। उसके बाद दोस्तों हमारा काम खत्म नहीं होता, यहाँ पे गाइबल इवॉल्व हो जाता है डायरेक्ट। भाई काफी बढ़िया बात है, यहाँ पे गैबाइट बन चुका है, एंड काफी जल्द गार्चोम्प में भी बनाएंगे इसको। उसके बाद दोस्तों ये नया मूव सीख रहा है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है मेरे। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, मैं काफी ज्यादा फाइट करता हूं इससे, एंड मजा भी आ रहा था यार, क्योंकि काफी बढ़िया लेवल अप हो रहा है, तो यार मजा किसको नहीं आएगा। उसके बाद क्या होता है, मैं इसके बाद जाता हूं अपने जिम के अंदर, क्योंकि यार काफी समय हो गया है हमने किसी भी चैलेंजर्स के साथ बैटल नहीं की है, तो यार ये तो गई काम से। उसके बाद एक और आएगा यहां पे शायद से। हां आ जाओ। ओके बग कैचर आए हैं अपने पास। ओके आ जाइए सर। इसके पास है बटरफ्री 21 level का। ओके यार सही में यार, अब पोकेमोन का लेवल काफी हाई हो गया इनका। काफी सही भाई, लेकिन मेरे पास भाई ड्रैगन क्लॉ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबका लेवल अप करना है। तो गैबाइट भाई तुम आ जाओ, 33 level है। ओके ड्रैगन क्लॉ से गया भाई। यहाँ पे शायद से एक और न्यू ट्रेनर आएगा, कोई तो आएगा। ओके एक और आ गई यहाँ पे, देखते इसके पास कौन सा पोकेमोन है। हैट्रेम, ओके ऑल राइट। यहाँ पे ड्रैगन क्लॉ कैसा रहेगा, वन शॉट हो गया। इसके बाद एक और है हॉने, ये काफी अच्छा पोकेमोन है, आप लोग जानते होंगे इस पोकेमोन को। और इसके बाद है शाइनी लैरॉन। हाँ ड्रैगन क्लॉ गया, क्योंकि मेटल क्लॉ उतना कुछ काम नहीं करेगा उस पे, बिकॉज वो ऑलरेडी स्टील है। ओके यहाँ पे भाई क्या करें हम लोग। इसके बाद मैं जाता हूँ न्यू बिल्डिंग को बाई करने, लेकिन इस बार मैं 10,000 वाले नहीं 25,000 वाला बाई करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे हैं। लेकिन गाइज इसी बात पे इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, क्योंकि हम लोग 25,000 की बिल्डिंग बाई कर रहे हैं, और हमारा बिल्डिंग ये अंकल यहाँ पे बनाएंगे। ओके अंकल जी बना दो यहाँ पे भाई। ये है हमारी 25,000 वाली बिल्डिंग, और ऊपर है 10,000 वाली। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे आता हूँ ड्रैगन डेन के बाहर। यहाँ पे एक अंकल होते हैं जिनके पास है ड्रैगन एयर। इसके बाद है भाई मेरे पास काफी अच्छे पोकेमॉन ड्रैगन क्लो एंड वन शॉट। इनके पास एक और पोकेमॉन जो कि है गूमी, ड्रैगन क्लो गया। इसके बाद दोस्तों मैं ड्रैगन डेन में आता हूँ काफी सारे पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग करने, और इसके बाद मैं आता हूँ ब्लिसी गर्ल के साथ बैटल करने, क्योंकि इसके साथ बैटल करने के बाद मेरे पोकेमॉन्स आसानी से इवॉल्व हो पा रहे, और यहाँ पे एक्सियो भी फाइनली इवॉल्व हो गया। इसके बाद उसका ड्रैगन पल्स मूव ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, मजा आ गया। उसके बाद दोस्तों काफी सारे चैलेंजर आते हैं, मैं इन सबसे फाइट भी करता हूँ, फिर मैं को बंद करता हूं और चला जाता हूं सोने। सोने के बाद मैं अपने अगले दिन को स्टार्ट करता हूं, और ट्रेनिंग करते करते मेरा गैबाइट आखिरकार यस गार्चोम्प में इवॉल्व हो गया, मेरा सपना पूरा हो गया। और इसके साथ साथ यार ये क्या होता है, मेरा दूसरा पोकेमोन भी ट्रेनिंग करता है, और इसके साथ भाई ये भी इवॉल्व हो जाता है हैक्सोरस में। सो नेक्स्ट डे मैं आता हूं अंबल सिटी के कॉमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में, और यहां पे 25,000 की एक और बिल्डिंग बाय करता हूं। जी हां मैंने एक और बिल्डिंग बाय की 25,000 की, और ये अंकल ने हमारी बिल्डिंग बना। इसके बाद मैं आता हूं मॉल में, क्योंकि यार मुझे कुछ सामान खरीदना है, देखते हैं क्या इनके पास। ओ माय गॉड सब कुछ इतना ज्यादा महंगा है, मैं एक लेफ्ट ओवर खरीद लेता हूं, काफी काम आएगा।
सो वंस अगेन नेक्स्ट डे मैं आता हूँ ड्रैगन डेन के एंट्रेंस पे और यहाँ पे मैं पहुंचता हूँ माइथिकल फील्ड में। लेकिन पहले यहाँ पे कोई लड़की नहीं थी, वेट इसने हमें चैलेंज कर दिया बैटल के लिए। इसके पास है जंप लफ, ड्रैगन क्लो एंड वन शॉट। लेकिन इसके पास ये वाला पोकेमॉन जो है इस पर ड्रैगन मूव काम ही नहीं करते, तो यार क्रंच करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, इस पर इफेक्टिव भी नहीं है, लेकिन कर ही कर सकते हैं डूड। ओके यार क्रंच करते हैं। ओके यार भाई संभल के, इसका तीसरा पोकेमॉन है चैडिम आउटरेज एंड ये हार जाएगा यार। आउटरेज एक और बार कर ले भाई हील। वेट मैं यहाँ पे रिपेल यूज करूंगा ताकि मैं इस जगह को भी थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकूं। वेट यहाँ पे रास्ता ही नहीं है डूड, बनाए क्यों जगह। उसके बाद दोस्तों मेरे सामने एक 48 लेवल का ड्रैम्प आता है, मैंने इसकी हालत खराब कर दी है, लेकिन उसने भी मेरी हालत खराब कर दी है। लेकिन यार ये मेरे ग्रेट बॉल में आ ही नहीं रहा है, ना जाने मैंने कितने सारे ग्रेट बॉल वेस्ट कर दिए। भाई प्लीज यार आ जाओ प्लीज, लास्ट वाला है। ओके आ गया यार। गाइस एक दिन की बात है, मेरे घर पे कोई तो आता है, मैं जैसे ही चेक करने जाता हूँ मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और मैं देखता हूँ कि मैं किडनैप हो चुका हूँ। डूड यस सीरियसली मैं किडनैप हो चुका हूँ और इसी गैंग ने मुझे किडनैप किया है जिससे हमने फाइट की थी। भाई साहब ये लोग इतना ज्यादा गिर सकते है ही भाई, तुम उसी के मेम्बर हो ना। ओके ये हमें एक लंबेर दे दी। ओके मैं इसका क्या करूँ भाई, और बात करते है भाई। एक सेकेंड इसने फाइट करना शुरू कर दिया मेरे से, व्हाट क्या भाई कुछ भी। ओके यार इसने पहले बेरी दी और उसके बाद फाइट करने को आ गई। यार आ जाओ इसको बताता हूँ, ये तो धोखेबाज है यार। ओके एक और बार गई काम से। इसके बाद दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। वेट डूड यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, मुझे इन सबसे फाइट करनी है। आउटरेज गया काम से। और यार अभी इसके पास है स्क्रैगी, आ जाओ यार ड्रगडिगोन, मिलकर इसको सबक सिखाते हैं। भाई लोग की यार चमड़ी बहुत ज्यादा मोटी हो गई है, इस लोग ने ना इन्होंने बिल्कुल गलत बंदे से पंगा ले लिया है और ये लोग जानते ही नहीं कि मैं इनका क्या हाल करने वाला हूँ। मैं भी बिल्कुल रेड की तरह इनकी पूरी टीम को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अभी आ जा बे पॉनीएड, जो भी है तू। अरे भाई हिल करता है, हाँ हाँ लोल यार। इसके पास है भाई ड्रिलबर। ओके आ जाओ, आ जा भाई बेटा क्या हुआ। अब टाइम है टकले राइडर से लड़ने का, यानी कैसे और भी काफी सारे टकले राइडर आएंगे जिनके बाल सर के बीच में उगते हैं। यार सीरियसली क्या ही बोलूं मैं। गाइस जिसके पास है क्रोकोडाइल पोकेमॉन जो कि मुझसे पैरालाइज हो चुका है, लेकिन यार वो सुपर पोशन यूज कर रहा है बहुत ही ज्यादा स्पीड में। लेकिन यार मैं भी कुछ कम नहीं हूं यार, तुम्हें नानी याद दिला के रहूंगा। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, काफी सारे और ट्रेनर्स भी आते हैं। और यार मुझे एक बात समझ नहीं आई, यहां पे ब्लैक स्क्रीन क्यों हो रही है बार बार, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। वैसे यार ये लोग ना एकदम अंधेरे में रहते हैं, क्या ही बोलूं यार, मेरा किडनैप भी किया ना तो एकदम से अंधेरे में किया, मेरे को पता ही नहीं चला। वेल हाँ यार काफी ज्यादा शॉकिंग था, लेकिन अभी इनके ऊपर शॉक लगने वाला है क्योंकि यार मैं आ चुका हूं और इनको इनकी नानी याद दिलाने। अच्छा बेटा तुम दोनों आखिर में आ जाओ आ जाओ। ओके तो इनके पास है पॉनीएड और ड्रगडिगोन। सो दोस्तों यार मुझे ना भी एकदम से सावधानी से खेलना है और एकदम ध्यान से खेलना है, कहीं अगर मैं हार गया तो यार मैं ना बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी मेरी, ठीक है। उसके बाद यार और भी पोकेमॉन है, इनके स्टारेबिया को हरा दिया, और क्या क्रोबैट है, आ जाओ डूड आ जाओ यार, जितने पोकेमॉन है सब फेंक दो, ठीक है। वैसे इनके 6 पोकेमॉन हो चुके हैं, लेकिन हमारे 2 पोकेमॉन ही काफी है इनके ऊपर। यार पोशन यूज कर लो, सुपर पोशन यूज कर लो, आखिर में मरना तुमको ही है, हारना तुमको ही था, पहले ही भाई सरेंडर कर देते। ओके यार आखिरकार हमने पूरी टीम को हरा दिया। वेट यहां पे और भी टकले राइडर्स है, लेकिन हमारा पोकेमॉन पॉइजनड हो गया है, मेरे पास एंटीडोट होगा बैग में, देखता हूं यहां पे। ओके यूज करते हैं यार। ऑलराइट गाइस और यहाँ पे सुपर पोशन भी है, चलो यूज करते हैं। ओके इसकी एचपी रिस्टोर हो गई, गार्चोम्प पे भी। उसके बाद दोस्तों यार अच्छे से हील करने के बाद यहाँ पे एक लड़की है। ओके पोकेबॉल लिया, लेफ्ट ओवर्स मिल गए भाई, थैंक्स। ओके यहाँ पे एक और है, अच्छा एक और मिल गया, अब क्या हम लोग इसे बच पाएंगे। वेट ओ नो यार। ओके आ जाओ यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वन शॉट डूड। सो अब इसके पास है शैंड श्रू बुलडोज एंड वन शॉट। इसके बाद इसके पास है क्रोको रॉक, ऐसे तो 3 और मारे थे अभी। उसके बाद दोस्तों एक और आ गई यहाँ पे, जोरुआ है इसके पास, इसको भी ड्रैगन क्लॉ से वन शॉट एंड एक्स अटैक मिला मुझे। उसके बाद दोस्तों मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज अभी और बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं है डूड, आखिर हम लोग कहाँ से जाए, आखिर हम लोग का घर कहाँ है, हम लोग का शहर कहाँ है, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। यहाँ पे किडनैप कर लिया है, इन्होंने बहुत ज्यादा बुरा किया है मेरे साथ। यहाँ पे एक और टकला है, अरे यार फाइट करनी है इसको कैसे भी करके, आ जा टकला फोड़ता हूँ तेरा। ओके माइटी आना इसके पास। ओके आ जाओ, मेरे पास काफी सारे मूव, ड्रैगन क्लो वन शॉट। ओ क्या क्या सच में
हम लोग को मेयर ने ढूंढ लिया और जिम गाय भी हमारे साथ है। दोस्तों कहानी में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे तभी एडगर नाम का एक बंदा आता है जो कि कोई और नहीं उस गैंग का लीडर है, और ये मुझे चैलेंज करता है एक रेस के लिए। जो इसको जीतेगा वही शहर में रहेगा, लेकिन जो हारेगा उसको हमेशा हमेशा के लिए इस शहर को छोड़ना पड़ेगा। ओ माई गॉड गाइज, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके साथ हम लोग अब 6 पोकेमॉन चाहिए तभी हम लोग जिम चला पाएंगे, और इसके साथ हम लोग समर वेकेशन पे भी जा सकते हैं, यानी कि हम लोग छुट्टी पे भी जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग बाइक करूंगा, यानी कि 10,000 रुपए की बिल्डिंग बाइक करूंगा, क्योंकि यार शहर को अच्छा बनाना है। और यार इसके साथ मैं इन अंकल से अपनी बिल्डिंग बनवा लेता हूँ, और ये अपनी चौथी बिल्डिंग है। इसके साथ ना गाइस ये लोग ना बहुत परेशानी में, इनको डोनेशन चाहिए, तो मैं एक अच्छा इंसान हूँ, दैट्स व्हाई मैंने इनको पोशन और सुपर पोशन डोनेट किया। इसके साथ दोस्तों हम लोग अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते हैं, और हम लोग आ जाते हैं क्रैगी पास में। यहाँ पे काफी सारे ट्रेनर्स और वाइल्ड पोकेमोन है, यानी कि काफी कुछ है, लेकिन यहाँ पे इस बंदे से बैटल हो जाती है बड़ी। इसके पास है बटरफ्ली 28 लेवल का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये बंदा कभी मेरे जिम में आया था? गाइज अगर ऐसा है तो कमेंट में जरूर से बताना, क्या ये बंदा मेरे जिम में एक बार आया था? मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा एक बार आ चुका है। ओ भाई ये क्या है, ओ माय गॉड, यहाँ पे काफी अलग अलग रंग बिरंगे पोकेमोन है और ट्रेनर्स भी है। ओके दोस्तों उसके बाद मुझे एक लड़की मिलती है जिसको मैं एक हर्ड स्केल देता हूँ, और इससे मेरी रेपुटेशन 100 हो जाती है डूड। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे आता हूँ और इस लड़के से मिलता हूँ जो कि बोल रहा है इस गुफा में कुछ ऐसी पहेलियां है जिसमें इसका सर पूरा घूम गया है, तो यार आ जाओ। अच्छा इसका नाम ही है द कैवर्न ऑफ नॉलेज। ये क्या है, ओ शाइनी एरोन। गाइस कब से हम लोग देख रहे हैं हमारे जिम में ना जाने कितने सारे चैलेंजर्स आए थे, और उनके पास ये पोकेमोन शुरुआत से ही था, लेकिन हमारे पास स्टिल नहीं है, तो यार हम लोग इसको कैच करेंगे। यार ग्रेट बॉल में फेंक रहा हूं, आ जाओ यार प्लीज। सो दोस्तों हमारे पास हो चुके 5 पोकेमोन, हम लोग को एक और चाहिए तभी जिम स्टार्ट होगी। उसके बाद मेरे सामने ड्रैगन डेन में एक जैंगमो नाम का पोकेमोन आ जाता है, और शायद से सूडो लेजेंडरी है, मैं कंफर्म नहीं हूं, हो भी सकता है, मेरा कोई कंफर्म नहीं है भाई, मैं भूल गया हूं। ओके यहां पे ग्रेट बॉल फेंका, आ जाओ यार। क्या नहीं आएगा, ठीक है भाई। भाई कितने ग्रेट बॉल, अबे हद हो गई भाई, अबे आना भाई मेरे साथ आना भाई, लेवल अप करूंगा, इवॉल्व करूंगा भाई। सीरियसली मेरे ग्रेट बॉल खत्म कर देगा ये पोकेमोन भाई, किस मिट्टी का बना ये भाई साहब, अब आया। उसके बाद दोस्तों मेरे सामने एक ड्रैटिनी आया, और इसको भी मैं कैच करूंगा, लेकिन इसको कैच करने के लिए मेरे पास एक ही शायद से ग्रेट बॉल है। अच्छा ठीक है आ गया। गाइज हमारे पास हो चुके हैं, आई गेस हाँ हमारे पास हो चुके हैं पूरे 6 पोकेमोन। हाँ 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 इवॉल्व करना है भाई, क्योंकि मैंने ब्लिसी गर्ल के साथ फाइट की, ट्रेनिंग की, और मैं इन सबको इवॉल्व कर रहा हूँ। इनको एक लेवल तो चाहिए ही था इवॉल्व होने के लिए, क्योंकि इनका लेवल तो ऑलरेडी यार काफी हाई था, तो यार इसके साथ मैं और भी ज्यादा ट्रेनिंग करता हूँ, बिकॉज यार हम लोग को अभी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना है, और यहाँ पे अच्छा खासा लेवलअप हो रहा है, अच्छी खासी एक्सपी मिल रही है हम लोग को। और ये है यहाँ की लास्ट ब्लिसी, तो इसको आउटरेज से मैं हराऊंगा, एंड देन मैं जाऊंगा अपनी जिम को ओपन करूंगा, क्योंकि यार हम थोड़ा ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ऑलरेडी 6 पोकेमोन्स तो हो चुके हैं, लेकिन मैं जैसे आगे बढ़ा यार कुछ तो होता है, ये लोग अचानक से इवॉल्व होने लगते हैं, तो मैंने बोला ठीक है ये भी ठीक है भाई, इवॉल्व हो जाओ तब चलते। क्लैंगिंग स्केल सीख रहा है, ठीक है भाई आ जाओ। हटा दिया उसको मैंने, और इसके साथ भाई सीख गया। अरे ये क्या, ड्रैगन ईयर भी इवॉल्व हो रहा है, नाइस मैन। गाइज आखिरकार हमारे पास आ चुका है ड्रैगन नाइट, जो कि आपको और मुझे काफी पसंद है, ये भी नया मूव सीख रहा है, और मैंने इसको सिखा दिया यार मस्त, ये सीख चुका है भाई साहब हरिकेन। अभी चलो चलते हैं जिम के अंदर। गाइस मैं जैसे ही जिम में जाता हूँ बहुत सारे ट्रेनर्स आते हैं, और फिर से चैलेंजेस बढ़ने लगते हैं, और यार ये वही बंदा है ना जो कि हम लोग को वहां पे मिला था। यार देखो इसका वही पोकेमोन है 28 लेवल का बटरफ्री, यार क्या ट्रेनिंग कर रहा है तू यार। ओके आ जाओ यहाँ पे, मैं ड्रैगन नाइट से खेलूंगा, काफी मजा आता है मुझे इस पोकेमोन से खेलने में। हरिकेन करे क्या नया मूव है, ओह माई गॉड गाइज इसने जो अभी अभी मूव सीखा है वो काफी मस्त मूव है। ओके बील ड्रिल नाइस यार, सुपर इफेक्टिव है यार, मस्त यार। ओके यहाँ पे डस्टॉक्स है, गया काम से भाई, मजा आ रहा है यार। बग कैचर के लिए सबसे बढ़िया ड्रैगनाइट का हरिकेन है। ओके आ जाओ एक और आ जाओ, ये भी इवॉल्व हुआ है, इसको भी आजमाएंगे। क्लैंगिंग स्किल सिखाया ना, ओ भाई साहब क्या मूव सीखे इन दोनों ने, गजब का यार गजब का। अगले दिन मैं अपने एरॉन के साथ भी ट्रेनिंग करता हूँ, और इसको भी इवॉल्व कर लेता हूँ लायरॉन में, एंड देन मैं इसको इवॉल्व करता हूँ एग्रॉन में। जी हाँ हमारे पास एग्रॉन भी आ चुका है, और चलो इसको टेस्ट करते हैं। लेकिन यार हमारे सामने 70 लेवल का टायरानिटार है भाई। अरे
भाई साहब मेरा कोई पोकेमोन इतने ज्यादा लेवल का नहीं है डूड, मैं गया भाई। ड्रैगनाइट का भी यहाँ पे इसने एकदम से किस्सा खत्म कर दिया है भाई साहब। एक तो फुल रिस्टोर यूज कर रहा है, एक होता है सुपर पोशन वाला और एक होता है पोशन वाला। ये है भाई साहब सीधा फुल रिस्टोर वाला बंदा और ये मोटे अंकल है। डूड देख रहे हो मेरी पूरी मेहनत बेकार जा रही है और उसका एक मूव एकदम से यहाँ पे हवा टाइट कर रहा है मेरे पोकेमोन्स की। मेरे पूरे पोकेमोन्स एक पर एक मरे जा रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। डूड मैं क्या करूं ड्रैगनाइट और क्या करूं यार, मेरे पास सब जो अच्छे पोकेमोन थे वो सबके सब मर रहे हैं। एग्रॉन ये तो किसी काम का है ही नहीं भाई, मैंने इसको अच्छा समझा था लेकिन शाइनी होने के बावजूद ये किसी काम का नहीं है। ड्रैगनाइट आखिरी है भाई, उम्मीद है इससे। हाँ मुझे पता है मैं हारने वाला हूँ भाई। यार वाह अटैक मिस हो गया, वाह यार अटैक मिस हो गया। दोस्तों मैं क्या करता हूँ हाइपर पोशन यूज करता हूँ लेकिन यार उसका एक मूव इतना ज्यादा खतरनाक है ना, लो यार हार गया मैं। वाह भाई पहला बंदा है जिसने मुझे हराया है। डूड मैं हील करके आ गया और हम लोग कर रहे हैं ब्लिसी गर्ल के साथ ट्रेनिंग, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा लेवलअप करना है और भी काफी सारी चीजें जो कि आप लोग को अब पता चलेगी। अब हमारे साथ क्या होने वाला है आप लोग शायद से नहीं जानते, मैं उस चीज के लिए तैयारी कर रहा हूँ, हाइपर पोशन खरीद रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। हम लोग के सामने एक ऐसी चुनौती है जो हमारा इंतजार कर रही है और आखिरकार वो दिन सामने आ ही जाता है। हेलो मैं हूँ एडगर, रफ राइडर ग्रुप का लीडर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ बैडलैंड्स में। आओ और मुझसे किसी भी टाइम पे मिलो, मैं ये नहीं प्रॉमिस कर सकता कि मेरी टीम वहाँ होगी या नहीं, लेकिन हाँ इस बारे में अपने मेयर को बताने की कोशिश भी मत करना। क्या मुझे किसी को कॉल करना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं डूड, ये मेरी लड़ाई है और मैं ही इसको लड़ने वाला हूँ और यहाँ से हमारा एडवेंचर शुरू होने वाला है। डूड मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ अभी, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का यहाँ पे फैसला है। या तो हम लोग को इस शहर को छोड़ना पड़ेगा और या तो भाई उस शहर को हम लोग को बचाना पड़ेगा इस गैंग से। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं डूड, मैं यहाँ पे जानता नहीं हूँ क्या होने वाला है हमारे साथ, लेकिन हाँ यही से हम लोग का रास्ता है। और यहाँ पे भाई मैं इन दोनों को हरा चुका हूँ ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। और यहाँ से भाई मैं आ चुका हूँ बैडलैंड्स के अंदर और यही पर रहता है रफ राइडर ग्रुप का लीडर एडगर। मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे अलग टाइप का फील कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं हार गया ना तो मुझे इस शहर को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ेगा। यार चलो यार, अबे नूबड़ी भाई साहब लड़ ले अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ ले यार, और मुझे भी लड़ने दे शांति से भाई। ओके यहाँ पे वन शॉट, ओके बाय। ओ माय गॉड यहाँ पे इसके बाद हम लोग आ चुके हैं एडगर, यहीं पे वो बंदा यहाँ पे खड़ा है। हमारे पोकेमोन तो सही है ना डूड, सब कुछ सही कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है एक सेकेंड, गार्चोम्प ऊपर आ जाओ और हाँ अभी चलते इसको चैलेंज करने के लिए। ओके आखिरकार तुम हमारे सामने आ चुके हो। हाँ पता है भाई अगर तुम जीते तो यहाँ पे यार मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस शहर को छोड़ के जाना पड़ेगा। सो गाइस इसके बाद क्या होता है ना, हमारी लड़ाई यही पे शुरू हो जाती है। इसके पास है एग्रॉन, मैं यहाँ पे डिग यूज करूंगा बिकॉज इस पे सुपर इफेक्टिव होगा। यस मेरा यहाँ पे प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन नहीं वो काफी जल्दी हील कर रहा है डूड। नहीं नहीं यार गार्चोम्प भाई साहब, हेक्सोरस भाई प्लीज, मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ यार, मैं पहले से ही सैड हूँ, अगर मैं हार गया तो क्या होगा। नहीं 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 यस ड्रैगन क्लो, ओके मस्त, यहाँ पे मैं यहाँ पे अब मजे में खेल रहा हूँ। ओके टायरानिटार है, टायरानिटार को हराना है भाई, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस हार गया, ओके भाई हेक्सोरस ओपी इन द चैट गाइज, ओके हाइड्रिकॉन भाई साहब, ओह माय गॉड गाइज मैं जीत सकता हूँ लेकिन मैं कभी भी हार भी सकता हूँ, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओके भाई साहब उसके पास शायद से दो पोकेमोन्स और है। ओके गार्चोम्प नहीं यार, हेक्सोरस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था यार, मैंने बेवकूफी की, मैंने उसको हील क्यों नहीं किया। ड्रैगनाइट भाई प्लीज, नहीं नहीं आराम से ड्रैगन रश गया भाई साहब। यस यस ओ माय गॉड मेटाग्रॉस, नहीं यार इस पे इफेक्टिव नहीं होगा इसके मूव्स, मुझे पता है इस पर ड्रैगन टाइप इफेक्टिव नहीं है, मुझे पहले से पता है। तो यार हम लोग को चाहिए यहाँ पे पता है कौन सा टाइप, हम लोग को चाहिए यहाँ पे ग्राउंड टाइप। यहाँ पे इसके लिए हम लोग ने रिवाइव किया है अपने गार्चोम्प को और अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं भेजूंगा गार्चोम्प को और यूज करूंगा डिप को, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड टाइप मूव्स मेटाग्रॉस पे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। एंड यस गाइज मेरा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है, मैंने आखिरकार अपने शहर को बचा लिया है डूड, कमाल की बात है। आ जाओ मेयर को इसके बारे में बताते हैं, हम लोग मेयर को एकदम से खुश कर देंगे। हेलो मेयर सर, कहाँ हो सर, आ जाओ। क्या
क्या भाई इसको फर्क ही नहीं पड़ता है भाई। ओके मैं इन मैम से बात करता हूँ। हाँ हम लोग को वेकेशन का यहाँ पे ऑफर आया था लेकिन मैं उस टाइम पे नहीं गया, लेकिन अभी मैं जाने वाला हूँ। ओके यहाँ पे मैं 4 दिनों के लिए जाता हूँ, ठीक है, काफी मजा आएगा, 4 दिन के लिए जाता हूँ, ठीक है, 1, 2, 3, 4। ओके और मैं कहाँ जाऊँगा, तो मैं जाऊँगा आई गेस फ्रिजर्ड सिटी ज्यादा सही होगा, चलो चलते उसके अंदर। यार आखिरकार हम लोग जाने वाले वेकेशन पे, एकदम ठंडी जगह है भाई, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, स्नोफॉल हो रही है। वेल हाँ ये कोई तो है, कौन है ये, इसका नाम है परमा और ये यहाँ की जिम लीडर है। ओ माय गॉड गाइस, क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर मुझ जैसा एक जिम लीडर दूसरे वाले जिम लीडर को चैलेंज करे और बैटल करे तो। वेल हाँ ये लोग हम लोग करने वाले हैं अगले एपिसोड में, तो यार बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और इसके साथ गाइस नेक्स्ट एपिसोड पाने के लिए इस वीडियो पे एम करते हैं 600 लाइक्स का, जल्दी से लाइक एम कंप्लीट कर दो। और ऐसे गेम प्ले चैलेंजेस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ऐसे और भी गेम्स के चैलेंजेस किए मैंने, आपके स्क्रीन पे है, जाके देखो उनको।